मैम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज इस फिल्म के यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के 9 दिनों के कलेक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिल्म वैसे तो दुनिया भर में बेहतर कलेक्शंस करते हुए नज़र आ रही है और आज ही ये खबर आई कि ये फिल्म पहली बार जब से रिलीज़ हुई है दूसरे नंबर पर नज़र आ रही है डोमेस्टिक मार्केट यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। वो जो अपडेट्स होंगी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ सिर्फ चाइना की अपडेट। और चाइना में ये फिल्म आज वापस से एक बढ़िया कलेक्शंस करते हुए नज़र आई। आपको बता दूँ कि फर्स्ट 3 डेज इस फिल्म ने बहुत अच्छा कलेक्शंस किया था चाइना में, उसके बाद कलेक्शंस धीमा धीमा होता गया, उसके बाद काफ़ी धीमा हो गया था, लेकिन अब जो कलेक्शंस है वो बहुत बेहतर है। चलिए आपको मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं $22 मिलियन से ज़्यादा, $22.45 मिलियन इसने आज का कलेक्शंस किया। एडमिशन 36 लाख थे जो कमाल के एडमिशंस हैं, और शोइंग्स कितनी है 1,23,000 जो थोड़ी सी कम हो गई थी, 1,22,000 तक आ गई थी। और यहाँ पे एडमिशन्स आई थिंक 12 से 13 लाख बचे थे, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले, यानी कि बहुत कम हो गया था। और टिकट प्राइस ठीक ठाक ही, टिकट प्राइस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आज पब्लिक बहुत ज़्यादा देखने आई इस फिल्म को वापस से। और जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट सैटरडे को जो कलेक्शंस हुआ था उसी तरह से दमदार कलेक्शंस हुआ है। आज शनिवार भी था जिसे आपको पता है 9वें दिन। चलिए आपको प्रॉपर कलेक्शंस बता देता हूँ करोड़ में कितने हुए हैं, और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्विटर में हैंडल पे, मेरे मैंने अपलोड कर दिया थोड़ी देर पहले, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सिर्फ कलेक्शंस देख रहे हो तो। फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने कमाई की $247.72 मिलियन यानी कि 1,684 करोड़। दूसरे हफ्ते के 8वें दिन यानी कि सीसी बात है सेकेंड फ्राइडे को इसने कमाई की थी 76.21 करोड़, और आज की इसकी कमाई 152 करोड़ है, यानी कि कल की कमाई से दुगनी कमाई आज के आसपास है। देख सकते हो ना 11 मिलियन 22 मिलियन, सीधी सी बात है दुगनी कमाई है, तो आपको इधर तो सब प्रॉपर क्लियर आ रहा है। तो दुगनी कमाई से ज़्यादा कमाई की है इस फिल्म ने अपने 9वें दिन, और टोटल जो हो चुका है इस फिल्म का 1,914 करोड़ हो चुका है यानी कि 281.63 मिलियन, यानी कि इतना तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि 200 करोड़ पक्का कर लेगी आज, यानी कि आई मीन इसके 10वें दिन कर सकती है, यानी कि सेकेंड वीकेंड खत्म होते होते, या तो 11वें दिन पक्का होना ही होना है। अब इसके साथ ही ये भी पता चल रहा है कि ये चौथी हाइस्ट ओवरसीज़ फिल्म है चाइना में रिलीज़ होने वाली, जो कमाई के मामले में चौथी हाइस्ट ओवरसीज़ मूवी है, यानी कि इसके पहले ट्रांसफॉर्मर्स 4 ने अच्छा कमाई की है, फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 ने बेहतर कमाई की है, फास्ट एंड द फ्यूरियस 8 ने भी बहुत बेहतर कमाई की है। लेकिन हाल फिलहाल में आई थिंक एक और आपको न्यूज़ दिया था जहाँ पर ये सुनने में आया था कि फास्ट एंड फ्यूरियस आई थिंक 7 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस तरह से कुछ सुनने में आया था। यानी कि जो भी अपडेट्स होंगे प्रॉपर कलेक्शंस के साथ इन सब फिल्मों का मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर आ रही है उसी पर मैं बिलीव कर रहा हूँ कि चौथी हाइस्ट ओवरसीज़ फिल्म हो चुकी है चाइना में रिलीज़ होने वाली, आई मीन कमाई के मामले में। तो आपकी क्या राय ज़रूर बताइए, और किसी के पास अगर इसका डेटा हो चाइना का तो आपको इन सब फिल्मों का, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, फास्ट एंड फ्यूरियस 8, ट्रांसफॉर्मर्स 4 और एवेंजर्स का तो हमारे पास सही है, तो सबका एक साथ अगर कोई डेटा दे सके तो बहुत खुशी होगी, और उसको आई थिंक सभी के लिए शेयर करना बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं भी सर्च करूंगा, मुझे कुछ अपडेट्स प्रॉपर मिलता है तो मैं ज़रूर एक बार आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये फिलहाल फोर्थ हाइस्ट ओवरसीज मूवी बन चुकी है चाइना में रिलीज होने वाली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।